नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे, जहां माकपा की तरफ से एक देशव्यापी कॉल दिया गया है। जिस तरह से त्रिपुरा में हिंसा हुई है, इनकी माकपा के ऑफिसेस पे, उनके कार्यकर्ताओं के घर पे, और इसके साथ ही साथ पत्रकारों के ऑफिसेस पे जिस तरह से हमला हुए हैं, टीवी संस्थानों के ऑफिसेस पे जिस तरह से हमला हुआ है, उसके खिलाफ इनका एक रोष प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें इनके केंद्रीय नेतृत्व के लोग भी शामिल हुए हैं। आइए इनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं इनकी मांग क्या है और ये पूरी हिंसा को किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, जो त्रिपुरा के अंदर जिस तरीके से सीपीआईएम पार्टी के दफ्तरों को जलाया गया है, जन संगठनों के दफ्तरों को जलाया गया है, ये आरएसएस भाजपा के जो आतंकी जिस तरीके से हमला किया है, ये सरासर हम इसकी निंदा करते हैं। और अमित शाह और मोदी सरकार ये पूरी उखड़ गई है, उनके पास जो तमाम चारों तरफ से जनता ने घेर रखा है, उधर किसानों ने घेरा है, उधर मजदूरों ने घेरा है, उधर महिलाओं ने अपने सुरक्षा की मांगों को लेके घेरा है, तो ये बौखला गई है। और बौखलाने के बाद इनके पास यही चारा है कि भाई हम गुंडागर्दी पे उतरे, आतंकी फैलाएं, और आतंकी से ये जाम जनता को डराने की कोशिश कर रही है। ये पूरे तौर पर सत्ता का दुरुपयोग करके, पुलिस को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करके, एक दो जगह ऐसे भी हुआ कि हमले के 15-20 मिनट पहले पुलिस को विथड्रॉ किया गया वहाँ, ताकि हमलेवार जो है पूरा लाइसेंस मिलकर करे, और कुछ इलाके में पुलिस साथ दे रही थी। तो इसलिए ये पूरा जो मामला है, मैं समझती हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का जनवाद के ऊपर हमले का, जो पूरे देश में चल रहा है, उसी का एक वो प्रक्रिया है। और इसलिए आज हम लोग ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की इसमें एक जिम्मेदारी है कि वो उनकी सरकार है, वो उनकी लीडर्स हैं, रुकवाने के लिए उनको तुरंत कदम होना चाहिए। बीजेपी जो भी ये हिंसा जो कर रही है, खास तौर पर विपक्षी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी पे त्रिपुरा के अंदर, वो साफ मतलब संकेत देता है, वो ये ना संविधान को मानते हैं, ना हमारे देश के अंदर जनतांत्रिक व्यवस्था को, और हिंसा के आधार पर वो अपनी दादागिरी और हुकूमत चलाना चाहते हैं। ये हम स्वीकार नहीं कर रहे, इसके खिलाफ विरोध होगा, इसके खिलाफ लड़ेंगे और हमारी संवैधानिक व्यवस्था को बचा कर। त्रिपुरा की जनता अच्छी तरह जानती है कि किस तरह वहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन का जन्म हुआ, वहाँ के राजशाही के खिलाफ संघर्ष करते हुए आजादी की लड़ाई में सामंतशाही के खिलाफ लड़ते हुए त्रिपुरा के ट्राइबल जनता के मांगों के लिए वहाँ आंदोलन शुरू हुआ था। जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से लगातार वो त्रिपुरा के अंदर जो भी सकारात्मक पहलकदमी वामपंथी सरकार ने की थी, जैसे रोजगार का, शिक्षण पढ़ाई लिखाई का, अनाज का सवाल, ज़मीन का सवाल, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का जो अमल करने का सवाल, ये सभी बेहतरीन तरीके से कर रही थी। अब उन सभी चीज़ों को वो उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया है। काम मिल नहीं रहा है, पढ़ाई लिखाई तो बहुत ही ख़राब हालत है, ज़मीन के ऊपर भी वो ज़मीन तो हथियाने का कायदा कर रही है। तो ऐसे मौके में लोग भी अभी जान रहे हैं कि बीजेपी की सरकार को लाकर बहुत बड़ी गलती की। हमारे कॉमरेड के ऊपर ये हिंसा हुआ, हमारे दफ्तरों के ऊपर ये हिंसा हुआ, लेकिन याद रख लीजिए, इस लाल झंडे को दबाने की कोशिश अगर करना चाहते हो आप, इतिहास गवाह है कि वो कभी ना हो सका ना वो होगा। जोर से कहिए, आगे और लड़ाई है, हर्ष हमारा नारा। तो आइए इस संघर्ष को हम और तेज करें आने वाले दिनों में। आप सबको मेरी क्रांतिकारी लाल सलाम। Thank you.